हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। हम हर वक्त ऐसा चाहते हैं कि कुछ न कुछ हमें नया सीखने को मिले, नई ओपनिंग ट्राई करें टूर्नामेंट में, जो ज़्यादा फेमस नहीं है ऐसी ओपनिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारा एडवांटेज मिलता है उसमें, क्योंकि अपोनेंट का प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं होता है। उस वजह से यहाँ पर मैंने आपको एक बढ़िया लाइन तैयार करके दिखाई है। बुडापेस्ट ओपनिंग, बुडापेस्ट ब्लैक से खेली जाती है। D4 अगेंस्ट सेंटर पोन के ऊपर पूरी गेम डिपेंड है। बहुत सैक्रिफाइसल वेरिएशन है, सभी वेरिएशन में आपको दिखाऊंगा आज, बहुत ही बड़ा मजा आएगा। और ये गेम भी है एक खेली हुई जिसमें ब्रिलियंसी कितनी है देख लीजिए। यहाँ पे शुरू करते हैं D4 और ब्लैक खेलता है नाइट F6, D4 एंड F6। उसके बाद मोस्टली व्हाइट का जो रिप्लाई होता है C4, क्योंकि C4 किंग्स इंडियन अगेंस्ट भी खेला जाता है, बुडापेस्ट अगेंस्ट भी खेला जाता है, बहुत सारी ओपनिंग के अगेंस्ट C4 नेचुरल मूव है, इसीलिए मैं इसी लाइन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। यहाँ पे ब्लैक खेलता है E5। अब ये फर्स्ट ऑफ पॉन सेक्रीफाइस और उसके बाद पॉन को कुछ मूव्स के बाद रिकवर करना, ये प्लान होता है ब्लैक से। अगर व्हाइट उस पॉन को बचाना ही चाहता है तो बहुत ही दिक्कत में पड़ सकता है। देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे D x E5। अब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है Nxg5। अब ये नाइट E5 पॉन पे अटैक कर रहा है, तो व्हाइट की नेचुरल मूव है नाइट F3 और दूसरा जो ऑप्शन है Bxf4, लेकिन उसमें भी नाइट से 6 और अटैक बढ़ता जाएगा। देखते हैं नाइट F3 अगर कोई करता है तो आपको क्या करना है। नाइट F3 के बारे में मेरे हिसाब से Bxf4 इज ओके, क्योंकि Bxf4 करने से नेक्स्ट मूव अगर हम जैसे कि Bxc5 करते हैं तो E3 इज ओके, क्योंकि वो जो डार्क स्क्वायर Bxf है व्हाइट का वो डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे Bxf4 के बजाय अगर व्हाइट नाइट F3 करता है तो ये उसकी स्लाइटली मिस्टेक है। अब जिसका फायदा व्हाइट ब्लैक को बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है। नेक्स्ट थ्रेट आपको Bxc5। अब यहाँ पे फोर्स मूव होगा E3, क्योंकि F2 पे आपने टारगेट कर दिया है और डबल अटैक है, तो E3 इज कंपल्सरी मूव। और यहाँ पे देखो आप व्हाइट का जो डार्क स्क्वायर वाला Bxf है वो खुद के गेम में फंस गया है, बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पे आपको रिप्लाई देना है Nxc6। अब ये पॉन के ऊपर हम प्रेशर बनाएंगे, तो नेचुरल मूव है यहाँ पे। अब ये पॉन को बचाने के बजाय व्हाइट अपना डेवलप करेगा Bxe2, और Bxe2 के बाद Ng x E5, और यहां व्हाइट Nxc3 डेवलप करेगा, और Nxc3 के बाद ये हो गया शॉर्ट कैसल। अब ओपनिंग के टोटल 7 मूव हो गए हैं जो परफेक्टली बहुत सारी गेम में खेले गए हैं, तो आप इतने मूव तो तैयार कर ही सकते हो। अब दूसरा इससे आगे क्या होता है, तो व्हाइट की ओर से बेस्ट है रिप्लाई कैसलिंग। यहाँ पे कैसलिंग के बाद तुरंत आपको Nxf3 एक नाइट को यहाँ से हटा देना है। आफ्टर Bxf3 दूसरा नाइट E5 पे बैठ जाएगा, और यहाँ पे फॉर्क C2। तो अगर व्हाइट ये व्हाइट लाइट स्क्वायर वाला Bxf नहीं देना चाहता है तो Bxe2 इज अ कंपल्सरी मूव। तो ये भी नेचुरल मूव है, बहुत सारे लोग Bxf को वापस ले लेते हैं। Bxe2 के बाद ब्लैक से आपको खेलना है Re8। सबसे पहले एक्सरे अटैक शुरू करना है हाफ ओपन फाइल पे। Re8 के रिप्लाई में व्हाइट खेलेगा A3। अब A3 क्यों खेलेगा, तो नेक्स्ट मूव में आइडिया है B4। यहां पे सबको अगर मैं आपको बताऊं कि आपको क्या खेलना चाहिए, तो सबको पता है कि A3 और B4 को स्टॉप करने के लिए नेचुरल मूव जो होती है B5, मतलब A5 करने के बाद दो आइडिया है, एक आइडिया नहीं है दोस्तों, दो आइडिया है। एक आइडिया क्या है कि स्टॉप दिस B4 पॉन, और दूसरा आइडिया रुक H6 देन रुक A6 टू H6 लिफ्ट करना है, और उसके बाद क्वीन H4। तो बुडापेस्ट ओपनिंग जब आप खेलते हो तो आपका टारगेट इसी टाइप का अटैक होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे रिप्लाई देगा B3। ब्लैक अपने डार्क स्क्वायर Bxf को ओपन करने के लिए B3 जरूरी है, वरना ये Bxf यहाँ पे किसी काम का नहीं है, हो सकता है Bb2 से कुछ ज्यादा फायदा हो। तो B3 के बाद यहाँ पे हम अपने प्लान को कंप्लीटली एक्शन में लेंगे, रुक A6।
रुक ए सिक्स के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट डी फाइव, नाइट डी फाइव, और उसके बाद नाइट डी फाइव का आइडिया क्या है दोस्तों, यहां पे खेलना है ब्लैक व्हाइट को बी फोर। तो हमें नाइट डी फाइव के बाद रिप्लाई देना है क्वीन टू एच फोर। आफ्टर क्वीन एच फोर व्हाइट खेलेगा जी थ्री। जी थ्री एक ये भी जरूरी मूव है, यहां पे सिंपल क्वीन टू एच थ्री। उसके बाद ई फोर, ई फोर किस लिए, ई फोर में मेन रीजन है बिशप टू एच सिक्स, और हमारे इस रुक को डेवलप एच सिक्स पे नहीं आने देना है। अगर व्हाइट ने ई फोर नहीं किया तो नेक्स्ट थ्रेट हमारी रुक टू एच सिक्स, देन अनअवॉइडेबल चेकमेट होगी। तो ई फोर ये एक प्लानिंग के हिसाब से बेस्ट मूव है। ई फोर के बाद यहां पे आपको खेलना है रुक टू डी सिक्स, पिनिंग दिस नाइट। व्हाइट खेलेगा बी फोर, और यहां आप वीडियो पॉज करके बेस्ट ऑप्शन मुझे बताइए। ओके लेट्स सी व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन। ब्रिलियंट मूव है आर ई ई सिक्स। अब क्या होता है बी टेक सी फाइव में, आप बिशप सेक्रीफाइस कर रहे हो। अगर व्हाइट आपका बिशप लेता है तो यहां पे बी टेक सी फाइव, रुक पे भी अटैक है, लेकिन काफी मजेदार गेम है, जबरदस्त दोस्तों। यहां पे आएगा ऑब्वियसली रुक एच सिक्स, चेकमेट की थ्रेट मेट इन वन। तो रुक एच सिक्स के बाद पहले तो व्हाइट आपका एक रुक मार लेगा बिशप टू एक्स एच सिक्स, देन दूसरा रुक टेक्स एच सिक्स, अगेन चेकमेट की थ्रेट है। तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन है बिशप टू एच फाइव, बिशप एच फाइव, सिंपल रुक टेक्स एच फाइव, आफ्टर क्वीन टेक्स एच फाइव, देन क्वीन टेक्स एच फाइव, नाइट चेक, किंग एफ एट, देन नाइट टेक्स सी एट। अब ये पोजीशन में व्हाइट को लगता है कि दो रुक नाइट वर्सेस क्वीन नाइट, लेकिन ये नाइट ट्रैप हो रहा है, कहीं भी बाहर नहीं जा सकता है, और आपको बहुत सारा फायदा इस गेम में होगा क्योंकि क्वीन आखिर क्वीन होती है गेम में। चलो यहां पे थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, इसी पोजीशन में ओके, जब बिशप पे अटैक हुआ और व्हाइट ने ये सेक्रीफाइस एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया, तो व्हाइट के पास एक और भी आंसर है बिशप टू एच फाइव। तो बिशप एच फाइव अगर व्हाइट करता है तो यहां आपको क्या करना है, यहां भी आप वीडियो पॉज करके मूव्स ढूंढिए। ओके मैं बताता हूं, यहां पे बिशप टू डी फोर, वंस अगेन बूम बिशप डी फोर, किस लिए, क्वीन टेक्स ई फोर, देन क्वीन एच फाइव, उसके बाद क्वीन डी वन, और यहां पे आपको नाइट एफ थ्री सेक्रीफाइस नहीं है लेकिन चेक, आफ्टर किंग जी टू, फिर से आपके पास एक ब्रिलियंट मूव है रुक एफ सिक्स। आइडिया बिहाइंड दिस मूव, क्वीन टू एच चेक। अब ये पोजीशन में समझो कि व्हाइट ने एक रुक मार दिया, तो यहां दूसरा रुक आ जाएगा रुक एफ सिक्स के बाद। चलो यहां पे ये पोजीशन आ गई, और इसके बाद कितने अटैक है, सबसे पहला थ्रेट है क्वीन टू एच टू चेकमेट। तो व्हाइट के पास अब सिर्फ तीन बेस्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एच थ्री, दूसरा ऑप्शन है एच फोर, और थर्ड ऑप्शन है रुक टू एच वन। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एच थ्री, एच थ्री में आपको रिप्लाई देना है डी सिक्स। अब यहां पे रुक एच वन कंपल्सरी मूव है क्योंकि क्वीन एच सिक्स, क्वीन एच थ्री चेकमेट। यहां आपके पास बेस्ट चॉइस है बिशप एच थ्री, आफ्टर रुक टेक्स एच थ्री, नाइट एच फोर चेक, एंड डिस्कवर अटैक विद द क्वीन, और क्वीन हैंगिंग क्वीन हो गई है व्हाइट की, और आप यहां पे गेम में आसानी से प्लस हो जाओगे। तो चलिए पहला ऑप्शन तो गलत है व्हाइट का,
दूसरा ऑप्शन देखते हैं एच फोर, एच फोर में आपको खेलना है क्वीन टू जी फोर, अगेन नाइट एच फोर की थ्रेट है, व्हाइट खेलेगा बिशप टू बी टू, आपके रुक पे अटैक और क्वीन को सपोर्ट, तो यहां रिप्लाई देना है नाइट टेक्स एच फोर, किंग एच टू, और यहां एक वन मोर सरप्राइज मूव रुक टू एफ थ्री, रुक एफ थ्री आइडिया बिहाइंड दिस मूव आफ्टर पॉन टेक्स नाइट सिंपल चेकमेट बाय रुक, तो यहां व्हाइट रिप्लाई देगा क्वीन डी फोर और यहां पे एक्सचेंज करने का प्लानिंग है, यहां आप रुक बी थ्री करो उसके बाद ब्लैक कंप्लीटली गेम विन हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर क्वीन टेक्स जी सेवन, क्वीन टेक्स जी सेवन, बिशप टेक्स जी सेवन, देन नाइट एफ थ्री चेक एंड किंग टेक्स बिशप, तो रुक फॉर टू माइनर पीसेस विद द बेस्ट पोजिशन, और ये ब्लैक आराम से गेम जीत सकता है, तो यहां पे हमने देखा कि एच फोर, अब तीसरा जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन रुक टू जी वन, रुक एच वन, सॉरी रुक एच वन में आपको खेलना है डी सिक्स, अगेन बिशप एच थ्री की थ्रेट है, तो डी सिक्स के रिप्लाई में एच फोर और यहां पे आपको खेलना है बिशप टू जी फाइव, तो बिशप जी फोर के बाद कंप्लीटली ब्लैक इज विनिंग दिस गेम। ओके यहां पे हम देखते हैं कि अगर व्हाइट ने एक्स सेक्रीफाइस जो क्वीन टू डी फोर है वो एक्सेप्ट नहीं किया और रुक ए टू कर दिया, तब क्या होगा गेम में, यहां आप वीडियो पॉज करके बेस्ट मूव ढूंढिए, मैं बताऊंगा रुक टू जी सिक्स, वंस अगेन सेक्रीफाइस द रुक। दोस्तों बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मूव है इस गेम में, आफ्टर बिशप टेक्स जी सिक्स क्या होता है, बिशप जी सिक्स में सिंपल नाइट जी फाइव और फोर्सफुली यहां पे मेट, अगर व्हाइट चाहता है कि क्वीन टेक्स जी फोर कर दे तो क्वीन जी फोर, नाइट ई सेवन चेक, किंग एफ एट, बिशप टू एफ फाइव, यहां पे क्वीन एफ थ्री, नाइट सी एट, रुक टू सी सिक्स, बिशप टू ई सेवन, रुक सी फोर, बिशप टू बी फाइव, बट आफ्टर रुक सी थ्री ब्लैक विल कंप्लीटली विनिंग दिस गेम, क्योंकि नाइट फिर से ट्रैप हो रहा है, यहां पे भी नहीं जा सकता, यहां भी नहीं जा सकता और नाइट ई सेवन भी नहीं जा सकता, तो ये गेम भी काफी इंटरेस्टिंग होगी ब्लैक के लिए। मान लो कि ये पोजीशन में व्हाइट ने बिशप टेक्स जी सिक्स नहीं किया और नाइट को यहां आने से कंट्रोल में रखा है, तो उसके बदले अगर व्हाइट क्वीन टेक्स डी फोर करता है तो यहां रुक टू जी सिक्स, अब दोस्तों यहां पे एक थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि व्हाइट की ओर से इतने मूव्स के बाद एक ही ऑप्शन बेस्ट है, अगर सामने वाले को मिल गया तो यहां पे व्हाइट काफी हद तक प्लस पोजीशन में रहेगा नाइट एफ फोर, बाकी सारे मूव्स में व्हाइट विल लॉस्ट अगेन, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है क्योंकि ये फाइंड करना इतने सारे अटैक में बहुत ही डिफिकल्ट है। किंग एच वन अगर यहां पे वाइट करता है जैसे कि किंग एच वन, तो किंग एच वन के बाद रुक टेक्स डी फाइव सेक्रीफाइस, सी टेक्स डी फाइव और यहां डी सिक्स, अब बिशप टेक्स जी सिक्स आप देख सकते हो कब से भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट टू जी फाइव ठीक है, डी सिक्स के बाद
अगर व्हाइट ने क्वीन टेक्स डी फोर किया तो सिंपल मेट इन वन है, तो क्वीन टेक्स डी फोर अब पॉसिबल नहीं है। बिशप टू जी सिक्स अगर व्हाइट ने किया यहां पे, तो यहां सिंपल नाइट टू एफ थ्री चेक आफ्टर क्वीन टेक्स एफ थ्री देन अगेन क्वीन टू एफ वन। बहुत सारे थ्रेट वाली गेम है, बहुत सारे पोजीशन, मतलब इसमें ये जो मैंने बताया है कंप्लीटली इतने मूव्स व्हाइट से कोई कैलकुलेट नहीं कर सकेगा, इतना डिफेंड वो नहीं कर सकेगा। आप शुरुआत के इतने मूव्स अगर कर देते हो ब्लैक से बुडापेस्ट गैम्बिट में तो बहुत मजा आएगा खेलने में। दोस्तों फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे टेक्स देन नाइट एफ थ्री, ये पूरी गेम किसके ऊपर डिपेंड है ध्यान रखो, नाइट एफ थ्री। अगर व्हाइट ने यहाँ पे बिशप एफ फोर कर दिया है तो आपको एज यूजुअल मेरी ओल्ड ओपनिंग जो बुडापेस्ट की मेन लाइन मैंने बताई है उस पर आपको फोकस करना है। नाइट एफ थ्री के बाद ही ये सारी ट्रैप होगी, आफ्टर नाइट सी सिक्स बिशप ई टू देन सिंपल टेक्स देन नाइट सी थ्री कैसल, और व्हाइट अगर जब कैसल करता है तो पहले नाइट एफ थ्री कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए इसमें कि ये बिशप व्हाइट का क्यों हम डेवलप कर दे, लेकिन ये बुक टू बुक है, लाइन टू लाइन है। बिशप एफ थ्री और नाइट ई फाइव सारे मूव्स देखो फोर्स जैसे लग रहे हैं, हो सकता है कुछ चेंजिंग ए थ्री अगर किसी ने नहीं किया तो गेम थोड़ा अलग चेंज हो जाएगी। ए थ्री ज्यादातर लोग करते हैं क्योंकि नेचुरल मूव है, बी फोर का प्लानिंग होता है, लेकिन कुछ गेम में डायरेक्टली बी थ्री करके बिशप बी टू करके भी लोग खेल सकते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे अगर ए थ्री किया तो आपको ए फाइव कर देना है और यहाँ पे रुक एच सिक्स लाके आप अटैक कर सकते हो। हालांकि दोस्तों कभी कभी आपको इस प्लान में चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि किसी ने बी थ्री किया तब भी आप यहाँ पे ए फाइव करके रुक को लिफ्ट करके अपना एज यूजल यही प्लान कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे ए थ्री के रिप्लाई में और देखिए कैसे कंटिन्यूअस यहाँ पे आप अटैक में रहते हो। अब ई थ्री, अब देखो यहाँ पे व्हाइट ने जो बी थ्री किया था उसके बजाय उसके ई फोर भी खेलना पड़ा, क्योंकि बी थ्री किस लिए खेला था कि व्हाइट को खेलना था बिशप टू बी टू, लेकिन आपने यहाँ पे रुक एच सिक्स खेलने के बाद क्वीन एच थ्री लाने के बाद कंपल्सरी ई फोर करवा लिया है मूव, तो ये सारे मूव्स फोर्सेस है। अब रूक डी फाइव एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि बी फोर हम अलाउ करते हैं और यहाँ पे रूक ई सिक्स ये बहुत बड़ा ब्रिलियंट मूव है, आफ्टर टेक्स देन रूक एच सिक्स अब कंपल्सरी मेट आ रही है। तो दोस्तों ये भी एक मजेदार चीज है कि दोनों रूक आप मरते हुए कैसे आगे ले जाते हो। इसके बाद अगर किसी ने सी क्रॉस डी सिक्स किया तो सिंपल मेट इन वन है। तो देखो सारे मूव आपको वन बाय वन थ्रेड के साथ ही मिल रहे हैं, तो ये ओपनिंग मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। ब्लैक की ओर से डी फोर अगेंस्ट बुडापेस्ट गैम्बिट आप तैयार कर लीजिए और अटैक के लिए आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और ओपनिंग जिसका नाम है मोरा गैम्बिट अगेंस्ट सिसिलियन। सिसिलियन के सामने बहुत सारे लोगों को खेलने में दिक्कत होती है सिक्स, क्योंकि सिसिलियन इतने स्ट्रांग लाइन है ब्लैक की ओर से, तो कई लोगों के क्वेश्चन कि सर आप सिसिलियन के अगेंस्ट मुझे एक बेस्ट लाइन बताइए, तो वो वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मोरा गैम्बिट, तो जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।